हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल नीडल। इससे पहले हमने सर्जिकल सूचर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि सूचर जो है वो किस मटेरियल से बना होता है। वो मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, नेचुरल, सिंथेटिक, एब्जोरेबल और नॉन एब्जोरेबल टाइप का था। अब उन मटेरियल के साथ में जिस नीडल का हम यूज करते हैं सूचरिंग के लिए, हम उस नीडल के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उस नीडल का क्या रोल होता है सूचरिंग के अंदर, और नीडल जो होती है वो कौन कौन से टाइप की हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस वीडियो के। तो इसमें हम बात करेंगे सर्जिकल नीडल के इंट्रोडक्शन के बारे में, देन हम सर्जिकल नीडल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन सर्जिकल नीडल की जो टिप्स है उसको देखेंगे, क्योंकि ये टिप्स जो होगी वो सूचरिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उसके बाद में हम की पॉइंट्स फॉर सर्जिकल नीडल, सर्जिकल नीडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे हम। देन हम समझेंगे जो हमारे पास में सूचर आता है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, और उसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन नीडल कोड्स यूज्ड इन सर्जिकल सूचर्स, हमारे जो सर्जिकल सूचर्स होते हैं कुछ उसके अंदर कुछ नीडल के कोड्स होते हैं, वो नीडल के कोड का क्या मतलब है और उनका कैसे यूज करना होता है उसको समझेंगे हम अकॉर्डिंग टू सर्जरी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्जिकल नीडल। तो इसके हम सबसे पहले रोल को देखते हैं। ये वुंड क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, टिश्यूज के रिपेयर करने में हेल्प करेगा, और सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। देन फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करता है सूचर को विद मिनिमल टिश्यू ट्रोमा। तो हमारे नीडल के साथ में क्या होता है, सूचर कैरी होता है, सूचर मटेरियल कैरी होता है, जिसकी वजह से मिनिमम ट्रोमा कॉज हो, इंश्योर प्रिसीजन और अच्छे से हमारी सूचरिंग हो जाए उसको इंश्योर करेगा। देन ओवरव्यू, हम इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, हम कवर्स नीडल पार्ट्स को कवर करेंगे, उसके टाइप्स को कवर करेंगे, स्पेसिफिक टिप्स इन सर्जिकल प्रैक्टिस, और उनकी स्पेसिफिक टिप्स जो होंगी सर्जिकल नीडल की जो टिप्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं पार्ट्स ऑफ सर्जिकल नीडल, कौन कौन से पार्ट्स होंगे सर्जिकल नीडल के उसको देखते हैं। पहला तो है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू पेनेट्रेट टिश्यू, नीडल का वो पार्ट जो सबसे पहले टिश्यूज को पेनेट्रेट करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। एक्सटेंड टू मैक्सिमम विड्थ, और ये पॉइंट से जब हम बैक साइड में जाएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा होता चले जाएगा, पॉइंट जो होगा वो सबसे शार्प पॉइंट होगा उस नीडल का। नेक्स्ट है बॉडी, बॉडी जो होता है वो सेंट्रल पोर्शन होगा हमारे सर्जिकल नीडल का, वेरीज इन शेप एंड थिकनेस, और ये जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है शेप के अंदर और थिकनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जिकल नीडल्स के अंदर। देन स्वेज, इसका क्या मतलब होता है, सेक्शन वेयर सूचर अटैच, वो पार्ट जहां पे हमारा सूचर मटेरियल अटैच होगा हमारी सर्जिकल नीडल के साथ में उसको हम बोलते हैं स्वेज। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो होगा यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्वेज बोलेंगे, क्योंकि ये सर्जिकल नीडल का एंड पॉइंट है और यहाँ पे हमारा सूचर मटेरियल इसके साथ में अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वेज बोलेंगे। देन हम बात करते हैं आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व पार्ट, हमारी सर्जिकल नीडल का जो कर्व पार्ट होता है जिसमें सर्जिकल नीडल जो है वो मुड़ रही होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका आर्क लेंथ बोलते हैं। तो ये वाला जो होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मुड़ा हुआ पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ का क्या मतलब होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू स्वेज, तो यहाँ पे कॉर्ड लेंथ का मतलब होगा हमारे पॉइंट से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के और हमारे स्वेज तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड लेंथ बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में है रेडियस, रेडियस का क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर सर्किल, तो यहाँ पे हमारे रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ, यहाँ सेंटर से लेकर के हमारे बॉडी इसके कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ओके। देन हम बात करते हैं नीडल टाइप्स की, तो नीडल टाइप्स के अंदर हमारे पास में सर्जिकल नीडल जो होती हैं वो वेरियस अलग अलग टाइप की आती हैं, और हर एक नीडल जो होती है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइंड होती है, मतलब अलग अलग टाइप की सूचरिंग टेक्निक के लिए अलग अलग टाइप की नीडल जो होगी वो बनी होती है, ओके। देन द प्राइमरी टाइप्स आर कर्व एंड स्ट्रेट नीडल, तो इसमें मेन दो टाइप की हमारे पास में सर्जिकल नीडल हो सकती है, एक तो हो सकती है कर्व नीडल, दूसरी हो सकती है स्ट्रेट नीडल, तो हम इनको देखते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कर्व नीडल, तो कर्व नीडल में सबसे पहले हमारे पास में 1/2 सर्कल नीडल या हाफ सर्कल नीडल इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं जो हमारे पास में हाफ सर्कल नीडल है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, हाफ सर्कल नीडल, ठीक है। और दीज आर वर्सेटाइल एंड यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसीजर, और ये सबसे कॉमन टाइप की कर्व नीडल है जिसका हम यूज मोस्टली सर्जरीज के अंदर करते हैं, ओके। देन हमारे पास में 3/8 सर्कल नीडल, कॉमनली यूज फॉर स्किन क्लोजर, 3/8 जो सर्कल नीडल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, यूज फॉर स्किन क्लोजर, तो स्किन को क्लोज करने में इस टाइप की हम नीडल का यूज करते हैं। देन हमारे पास में 1/4 सर्कल नीडल, और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कुछ ओपनिंग को एक दूसरे से अटैच करना, टिश्यूज को एक दूसरे से अटैच करना जिसमें ओपनिंग्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को जब हम
स्टिच करेंगे तो उसके लिए हम कौन से टाइप की नेडल का यूज करेंगे, 1/4 सर्कल नेडल का यूज करेंगे। जैसे हम ब्लड वेसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टमोसिस बोलते हैं, और वहां पे हम 1/4 सर्कल नेडल का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका इमेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। देन नेक्स्ट हमारे पास में 5/8 सर्कल नेडल, आइडियल फॉर हैंड क्लोजर ऑफ द अब्डोमिन वॉल। तो 5/8 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हमें, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, अब्डोमिन वॉल को क्लोज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन जे नीडल्स, और इस ये कहाँ पे यूज होती हैं, स्पेशली क्लोजिंग लैप्रोस्कोपिक पोर्ट वुंड। जो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं तो जहां से हम पोर्ट डालते हैं उस पोर्ट को क्लोज करने के लिए हम इस टाइप की नीडल का यूज कर सकते हैं, जिसकी शेप जो होती है वो जे शेप की होती है, और कुछ इस तरीके से ये वाली हमारे पास में होगी। तो जे शेप की नीडल का यूज हम कहाँ करते हैं, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर पोर्ट के जो वुंड है उनको क्लोज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं स्ट्रेट नीडल की। तो स्ट्रेट नीडल में हमारे पास में टाइपिकली हैंड हेल्ड होती है, इसको हम हाथ से ही लगाने का काम कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। दूसरा, यूज्ड फॉर सबक्यूटिकुलर स्किन सूचरिंग एंड सिक्योरिंग सर्जिकल ड्रेन। और इसका यूज हम सबक्यूटिकुलर स्किन की सूचरिंग करने में और सर्जिकल ड्रेन जो होती है उनको उनको सिक्योर करने में हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन क्लोजिंग स्किन वॉल। और इसकी हेल्प से, क्योंकि ये हैंड होल्ड होती है तो हम इससे स्पीडली सूचरिंग कर सकते हैं और एफिशिएंटली इसकी सूचरिंग कर सकते हैं इसकी वजह से। देन स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ निडल स्टिक इंजरी। अब क्योंकि हम इसको हाथ से ही यूज कर रहे हैं तो वहां पे निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं। निडल स्टिक इंजरी का मतलब होता है कोई भी निडल अगर आपकी बॉडी के अंदर पंचर कर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निडल स्टिक इंजरी बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको भी कोई भी ब्लड बॉर्न डिजीज हो सकती है जो कि पेशेंट के अंदर थी उसकी वजह से। देन चॉइस बिटवीन कर्व्ड एंड स्ट्रेट निडल डिपेंड्स ऑन। तो आपको कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड होती है कि आपको कौन सी नीडल का यूज करना है, स्ट्रेट का करना है या कर्व्ड का करना है। तो कौन सी चीजें होंगी, पहला स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी सर्जिकल रिक्वायरमेंट क्या है और किस टाइप की नीडल वहां पे यूज होने वाली है। दूसरा, टाइप ऑफ टिश्यूज, कौन से टाइप के ऊपर आप कौन से टाइप के टिश्यूज के ऊपर आप सूचरिंग करने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपको स्ट्रेट नीडल चूज करनी है फिर कर्व नीडल चूज करनी है। देन सर्जन प्रेफरेंसेस, अब जो सर्जन है उसकी भी कुछ प्रेफरेंसेस होती है कि वो किस टाइप की नीडल का यूज करने में ज्यादा इजी फील कर रहा है या फिर कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो उस टाइप के लिए हम सर्जन प्रेफरेंस भी ले सकते हैं। ओके, तो ये था स्ट्रेट नीडल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं नीडल टिप्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सर्जिकल नीडल के अंदर होगा वो हमारी नीडल टिप्स होंगी, क्योंकि यही नीडल टिप्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सूचरिंग के अंदर, जिसमें हम स्मूथली सूचरिंग कर पाते हैं नीडल की हेल्प से। तो इनको हम समझते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले, द डिजाइन ऑफ द नीडल टिप्स इज क्रूशियल फॉर टिश्यू पेनिट्रेशन एंड ट्रॉमा लेवल। तो नीडल की जो टिप्स होती है वो क्रूशियल होती है टिश्यूज को पेनिट्रेट करने के लिए, उसको पंचर करने के लिए, और उस पंचर की वजह से कितना ट्रॉमा कॉज हो सकता है इस टिश्यू को वो डिपेंड करेगा उसकी टिप के ऊपर। ओके, देन मेन टाइप ऑफ नीडल टिप्स इंक्लूडेड। तो कौन कौन से टाइप की नीडल टिप्स हो सकती हैं हम उसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले और मेन, सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाली हमारी सर्जिकल नीडल टिप्स है वो कौन सी है, राउंड बॉडीड नीडल। राउंड बॉडीड नीडल का क्या मतलब और किस तरीके से दिखती है इसको देखते हैं हम। तो आप पिक्चर में देख सकते हो राउंड बॉडी नीडल कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिसके शेप क्या होगी, राउंड होगी, उसकी बॉडी भी क्या होगी, राउंड होगी। ये इसकी बॉडी है जो कि राउंड दिख रही है आपको, और इसकी टिप क्या होगी, पॉइंटेड टिप होगी, बिल्कुल बिल्कुल शार्प टिप होगी, जैसे एक पेंसिल की टिप होती है उसको उस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप के अंदर। तो यहाँ पे स्मूथ पॉइंटेड टिप होती है इसकी। आप इसके अंदर दूसरा इमेज देख सकते हो, इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर दिख जाएगी जो कि बिल्कुल राउंड होती है, उसकी बॉडी भी राउंड होती है और उसकी टिप भी क्या होती है, राउंड होती है। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके से काम करती है। तो जो राउंड बॉडी नीडल होती है वो टिश्यूज को पंचर करती है देन डायलेट करती है विदाउट कटिंग। तो टिश्यूज को बिना कट किए हुए उसको पंचर करके देन डायलेट करने का काम करती है। तो सबसे मिनिमम ट्रॉमा कॉज करने वाली नीडल जो होगी वो हमारे पास में कौन सी है, राउंड बॉडीड नीडल होगी, क्योंकि ये टिश्यूज को कट नहीं करती है, उनको पंचर करेगी और डायलेट करेगी, ठीक है। देन सुटेबल फॉर सॉफ्ट टिश्यूज जैसे गट, फैट और मसल्स। तो ऐसे टिश्यूज में हम यूज करेंगे जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होंगे और वहां पे हमें टिश्यूज को कट नहीं करना है या फिर वहां पे हमें टिश्यूज को डैमेज नहीं करना है। तो ऐसी जगह पे हम कौन सी नीडल का यूज करेंगे, राउंड बॉडी नीडल। तो सॉफ्ट टिश्यूज, हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होंगे जो कि सॉफ्ट टिश्यूज के बने होंगे वहां पे हम इसका यूज करेंगे। देन यूजफुल इन प्रोसीजर रिड्यूसिंग लीकेज, और ऐसे प्रोसीजर में हम इसका यूज करेंगे जहां पे लीकेज का रिस्क हो। तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे तो लीकेज का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो
कट नहीं करेगी उस टिश्यूज को, उसको पंचर करेगी और डायलेट करके अंदर एंट्री कर जाएगी। तो अगर वो डायलेट करके अंदर जा रही है तो वहां पे लीकेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो वहां हम किस जगह पे यूज कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल के सर्जरीज के अंदर यूज कर सकते हैं, और कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज के अंदर हम राउंड बॉडीड निडल जो है इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप की निडल है या फिर सर्जिकल निडल है जिसका हम यूज सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर करते हैं, जहां पे हमें ट्रॉमा कॉज नहीं करना है, जहां पे हमें टिश्यूज को डैमेज नहीं करना है वहां पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कटिंग निडल। कटिंग निडल का काम क्या होता है, इसको हम कर्व कटिंग निडल भी बोल सकते हैं क्योंकि कर्व में होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कटिंग निडल के बारे में, इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, थ्री कटिंग एजेस होते हैं, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसकी कटिंग एजेस में कितने कटिंग एजेस हैं, थ्री हैं। तो तीन कटिंग एजेस होते हैं हमारी कर्व कटिंग निडल के अंदर। तो इसमें हम समझते हैं ये किस तरीके से काम करती है। द शार्प पॉइंट ऑफ द कटिंग एज इज लोकेटेड ऑन द इनर कर्व और बैंड ऑफ द निडल। तो यहाँ पे जो सबसे शार्प वाला कटिंग एज होगा, यहाँ पे तीन कटिंग एज हैं, तो इसमें से सबसे शार्प वाला जो कटिंग एज होगा वो कहाँ पे होगा, निडल के कर्वेचर के अंदर वाली साइड में। तो आप इसको डायग्राम में यहाँ पे देखो कि ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास में जो निडल का टिप है, यहाँ पे जो सबसे शार्प एज है ये वाला, ये किस साइड में, अंदर वाली साइड में है, ठीक है। इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कटिंग निडल बोलते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन सूचरिंग टफ और डेंस टिश्यूज, तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, टफ और डेंस टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिनको हम नॉर्मल राउंड बॉडी निडल से सूचरिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम कटिंग निडल का यूज करते हैं, क्योंकि टफ टिश्यूज को या फिर डेंस टिश्यूज को कट करके देन पेनिट्रेट करती है, टिश्यूज को कट करना देन उसके अंदर एंटर करना। तो इस टाइप के टिश्यूज के अंदर हम कटिंग निडल का यूज करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा टिश्यूज क्या होंगे, टफ होंगे या फिर डेंस होंगे। जहां पे हम राउंड बॉडी निडल का अगर यूज करेंगे तो वो राउंड बॉडी निडल उन टिश्यूज के अंदर एंटर तक नहीं कर पाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स कटिंग निडल के बारे में। तो रिवर्स कटिंग कटिंग निडल का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसकी कटिंग एज जो है वो आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखते हैं। तो इसके अंदर इमेज से ही हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाले के अंदर हमारी जो कटिंग एज का जो शार्पेस्ट एज था वो ऊपर की तरफ था, बट इसके अंदर जो शार्प एज होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कटिंग निडल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शार्प एज होगा वो कर्व निडल के अंदर साइड नहीं होकर के उसके बाहर वाली साइड में अपोजिट साइड के अंदर होगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कटिंग निडल बोलते हैं। तो देखो, कटिंग एजेस ऑन द कॉन्वेक्स और आउटर साइड ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे जो कटिंग एज होगा वो कहाँ पे होगा, आउटर साइड ऑफ द कर्व, कर्व के आउटर साइड में इसका कटिंग एज होगा, ठीक है। तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कटिंग रिवर्स कटिंग निडल के अंदर, यहाँ पे जो इसका कटिंग एज होगा वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, बाहर वाली साइड में दिख रहा है, ठीक है। ये वाला इसका कटिंग एज होगा, ये वाला, तो इसका जो शार्पेस्ट कटिंग एज होगा वो बाहर वाली साइड होगा, और इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स कटिंग निडल बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्गर एंड लेस लाइकली टू कॉज टिश्यू टियरिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग तो होती है, बट इसके साथ साथ में टिश्यूज के अंदर ट्रॉमा कम कॉज करता है कटिंग निडल से। कटिंग निडल जहाँ पे टिश्यूज को अच्छे से कट करके पेनिट्रेट करती है, वहीं पे हमारी रिवर्स कटिंग जो होती है इतना ज्यादा ट्रॉमा कॉज नहीं करती है उस टिश्यूज के अंदर। कटिंग एज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वुंड। तो हमारे जो कटिंग एज होगा वो हमारे वुंड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस वजह से वहां पे क्या होगा, ज्यादा ट्रॉमा कॉज नहीं करेगा, क्योंकि हमारा अगर अंदर वाली साइड में अगर कटिंग एज होगा तो वो टिश्यूज के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा, जहां पे हमारा वुंड है वहां पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा वो शार्प पॉइंट। तो इस वजह से वहां पे ज्यादा टिश्यू ट्रॉमा कॉज होगा, बट यहाँ पे हमारा जो शार्प एज है वो वुंड के अपोजिट साइड में होगा, इस वजह से उस टिश्यूज को ज्यादा ट्रॉमा कॉज नहीं कर पाएगा। ओके, देन हम बात करते हैं ब्लंट टैपर पॉइंट निडल, ठीक है। तो ब्लंट टैपर पॉइंट निडल के बारे में देखते हैं, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है ये ब्लंट पॉइंट निडल है। यहाँ पे आगे जो टिप होगी इसकी वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं होगी, ठीक है, और इसकी बॉडी कैसी होती है, राउंड होती है। तो मिनिमाइज रिस्क ऑफ निडल स्टिक इंजरी। अब क्योंकि इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती है इसकी टिप, तो वहां पे निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग मसल एंड फेशिया बट नॉट स्किन। तो इसकी वजह से इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, मसल और फेशियास के अंदर पेनिट्रेट करने में ये कैपेबल होती है, बट स्किन को ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती कि स्किन के अंदर घुस जाए। ओके, आइडियल फॉर सिनेरियोस वेयर ब्लड बोर्न वायरसेस आर ए कंसर्न। तो ऐसी जगह, ऐसी सिनेरियोस जहाँ पे हमें ब्लड बोर्न वायरसेस की वजह से डिजीज फैलने के चांसेस होते हैं, वहां पे हम ब्लंट या फिर टैपर पॉइंट निडल जो है उसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टैपर या फिर सेमी कटिंग निडल, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, टैपर कट या फिर सेमी कटिंग निडल के बारे में किस तरीके से दिखाई देती है। इनकी बॉडी जो होती है वो राउंड होती है, ठीक है, बट इनका जो पॉइंट होता है वो टैपर कट होता है, यहाँ पे कटिंग एजेस होते हैं।
तो हमारे पास में जो हमने रिवर्स कटिंग और कटिंग एजेस देखी थी, वहां पे बॉडी के अंदर भी कटिंग एजेस थी और उसके पॉइंट के ऊपर भी कटिंग एजेस थी। बट टैपर कटिंग के अंदर इसकी बॉडी राउंड होगी बट इसका जो पॉइंट होगा वो कटिंग एजेस के साथ में आएगा। तो यहाँ पे देखो कंबाइंड फीचर ऑफ कटिंग एंड राउंड बॉडी, तो यहाँ पे दोनों के फीचर होंगे, राउंड बॉडी है और इसकी टिप जो होगी वो कटिंग एजेस के साथ में होगी। तो ये दोनों फीचर जो है उनको कंबाइन करता है अपने आप में। तो यहाँ पे आप इसको इमेज से समझ सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में जो निडल है उसके अंदर इसका जो टिप है उसके ऊपर कटिंग एजेस हैं, बट इसकी जो बॉडी है आपको देख रही होगी ये राउंड शेप के अंदर है, तो यहाँ पे कोई कटिंग एजेस नहीं है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, टैपर कटिंग निडल या फिर सेमी कटिंग निडल बोल सकते हैं। देन ट्राइंगुलर टिप ट्रांजिशनिंग इनटू ए स्मूथ और राउंड बॉडी प्रोफाइल, तो इनकी ट्राइंगुलर टिप जो होती है वो आगे या फिर पीछे जा करके क्या होती है, राउंड बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऊपर की तरफ तो क्या होगी, ट्राइंगुलर होगी, बट जैसे ही ये बैक साइड में जाएगी तो कैसी हो जाएगी, राउंड बॉडी के टाइप की हो जाएगी। अब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कौन से टाइप की सूचरिंग के अंदर इसका यूज करते हैं, मॉडरेटली टफ टिश्यू, ऐसे जो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेटली टफ टिश्यूज के अंदर हम इसका यूज करते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरीज या फिर फेशिया के अंदर हम इसका यूज करते हैं। देन हमारे पास में है की पॉइंट्स फॉर सर्जिकल निडल, तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिसको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टूल इन मेडिसिन, अब ये एक इंपॉर्टेंट टूल है मेडिसिन के अंदर, हम इसकी वजह से काफी सारी सर्जरीज के अंदर हम इसकी हेल्प लेते हैं। मेड वेरी केयरफुली फॉर सर्जरी, और इसको बहुत केयरफुली बनाया जाता है सर्जरी के लिए, ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्शन परफॉर्म करे। देन नोइंग अबाउट पार्ट हेल्प डॉक्टर चूज वेल, तो इन निडल के टिप्स के बारे में या फिर निडल के टाइप्स के बारे में जानने से हम सही निडल को या फिर सही सूचर को जो है वो चूज कर पाते हैं। ओके, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। पहले तो जो सूचर वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, सूचर का मतलब होता है थ्रेड, जो धागा हम यूज कर रहे हैं एक सूचर के अंदर, एक सर्जिकल सूचर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सूचर, धागे को हम सूचर बोलते हैं। निडल, जिस निडल से हम टिश्यूज को पेनेट्रेट करने वाले हैं या फिर शार्प एंड जो होगा जो कि सूचर के साथ में अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निडल। गेज, गेज का मतलब होता है जो हमने धागा, जो हमने मेटेरियल यूज किया था उसकी डायमीटर कितनी है उसको हम उसका गेज बोलते हैं। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है द स्ट्रेस दैट ए नॉटेड सूचर कैन विदस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम जब सूचरिंग करने के बाद में हमारा जो सूचर है उन टिश्यूज को कितने अच्छे से होल्ड करके रखता है उसको उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होने का ये मतलब है कि वो उस टिश्यूज को होल्ड करके रखे, टूटे ना, ठीक है। देन मेमोरी, द सूचर इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो सूचर के अंदर जो हमारा सूचर की पैकेजिंग आती है उसके अंदर जो सूचर जिस भी पोजीशन के अंदर आता है वो उसी पोजीशन के अंदर रहता है उसको निकालने के बाद में, उसको उसकी मेमोरी बोलते हैं। जैसे प्रोलिन की मेमोरी जो होती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है, उसकी मेमोरी को हमें निकालना पड़ता है ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, तो उसको उसकी मेमोरी बोलते हैं। ब्रेडेड, ब्रेडेड का मतलब होता है मल्टी फिलामेंट, ऐसे सूचर जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी फिलामेंट या फिर ब्रेडेड सूचर बोलते हैं। दूसरा है मोनोफिलामेंट, ऐसे सूचर जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफिलामेंट बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे सर्जिकल निडल के बारे में। देन हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सूचर पैकेजिंग, जो हमारे पास में हॉस्पिटल्स के अंदर सूचर की पैकेजिंग आती है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मेंशन होती है और उनका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं, ताकि हम सूचर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और हम डिसाइड कर पाए हमें कौन से टाइप का सूचर जो है वो यूज करना है। तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि जो हमारे पास में सूचर मटेरियल आता है उसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास में कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो इन सभी का क्या मतलब है और इनका क्या रोल होता है एक सूचर को सिलेक्ट करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएस गेज, तो यूएस गेज सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो यूएस गेज सबसे पहला पॉइंट है यूएस गेज, तो इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं। यूएस गेज यहाँ पे लिख रखा है 50, तो सूचर साइज या फिर इसको डायमीटर भी बोलते हैं, एक सूचर का डायमीटर कितना है, उस धागे का उस स्ट्रैंड का डायमीटर कितना है उसको हम क्या बोलते हैं, यूएस गेज बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर मेट्रिक गेज, ये डिफरेंट यूनिट होती है उसके डायमीटर को देखने के लिए, और यहाँ पे मैट्रिक गेज कितना दिखा रहा है, 1 PHU, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं निडल कोड, निडल कोड जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम आगे और डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो निडल कोड जो होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक निडल यूज्ड विद दिस सूचर, तो किसी भी सूचर के साथ में उसकी निडल का क्या यूज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम निडल कोड रखते हैं, और यहाँ पे निडल कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे PS2,
ठीक है, ये इसका नीडल कोड है, और नीडल कोड कैसे हेल्प करता है सर्जरीज के अंदर सूचर को सिलेक्ट करने में या नीडल को सिलेक्ट करने में, वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो नीडल कोड यहाँ पे क्या है, PS2। PS2 का मतलब अभी आपको एक बार बता देता हूँ मैं, PS का मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर यूज होने वाला सूचर। तो ये जो आपका सूचर है एथिलोन, यहाँ पे PS2 का मतलब है इस टाइप के सूचर का यूज हम प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम अभी डिटेल में भी देखेंगे। देन नीडल लेंथ, निडल लेंथ इसके नेक्स्ट वाला ही पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको निडल लेंथ दी हुई होती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 19 mm, ठीक है, मिलीमीटर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ दी हुई है। तो निडल लेंथ जो होगी वो यहाँ पे लिखी होगी। ओके, देन उसके बाद में निडल टाइप, कौन सी निडल है ये वाली, हमने अभी अलग अलग टाइप की निडल देखी है, तो कौन से टाइप की निडल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो निडल टाइप के अंदर ये निडल टाइप है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स कटिंग, और निडल रिवर्स कटिंग के साथ साथ में इसकी शेप भी यहाँ पे दिखाई हुई है, जो नीचे की तरफ इसका कटिंग एज, जो शार्प कटिंग एज है, वो किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। हमने अभी देखा भी था जो रिवर्स कटिंग निडल होती है उसका शार्प एज कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर दिखाई भी हुई है जिससे आप समझ सकते हो। देन उसके बाद में है निडल शेप, निडल शेप जो होती है वो इंडिकेट करती है उसके शक्ल को, उसकी शेप कैसी होगी। तो यहाँ पे दे रखा है 3x8, कटिंग रिवर्स कटिंग के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे 3x8 लिखा हुआ है। अभी हम इसको इमेज को बड़ा करके भी देखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। देन उसके बाद में है यहाँ पे जो PHU आया था, ये वाले मैट्रिक गेज के अंदर PHU आया था, इसको हम क्या बोलते हैं वो देखते हैं। PHU जो है वो स्टैंड करता है फार्माकोपिनिया यूरोपिया के लिए, विच इज द यूरोपियन फार्माकोपिनिया। तो यूरोपियन फार्माकोपिनिया के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया हुआ है मैट्रिक गेज के लिए। ओके, अब हम इसको थोड़ा इमेज को बड़ा करके देख लेते हैं, हमने किन किन चीजों को देखा। हमने यूएस गेज को देखा, तो सूचर का डायमीटर कितना होता है, फिर मैट्रिक गेज को देखा, ये डिफरेंट यूनिट है उसके डायमीटर को देखने के लिए। नेडल कौन कोड देखा, जिसमें हमने देखा कि कौन से टाइप की सर्जरीज के अंदर हम इस टाइप का सूचर का यूज कर सकते हैं। देन हमने नीडल लेंथ देखी, जो कि 19 मिलीमीटर थी, जिसमें हमने सूचर की लेंथ का पता लग जाता है। देन हमने देखा नीडल टाइप, कौन सी टाइप की नीडल है ये, यहाँ पे दे रखा है रिवर्स कटिंग, और इसकी शेप भी दी हुई है रिवर्स कटिंग की। देन हमने देखा था निडल शेप, तो निडल की शेप क्या है, हमने देखा है इसके अंदर 3x8 सर्किल, 3x8 सर्किल ये लिखा हुआ है। हमने डिफरेंट टाइप की कर्व की निडल देखी थी ना, उसमें अलग अलग टाइप की सर्कल की निडल थी, यहाँ पे जो हम निडल यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, 3x8 सर्किल निडल है। और बाकी की चीजें अभी हम आगे और डिस्कस करते हैं, तो इसको देखते हैं कुछ चीजें और। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, तो ये जो पॉइंट है मैन्युफैक्चरर वाला, कुछ यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर कौन है, एथिकॉन। एथिकॉन जो है वो एक कंपनी है जो कि इस टाइप के सूचर को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। दूसरा है ब्रांड नेम ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे ये जो ब्रांड नेम ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एथिलोन। तो एथिलोन जो है, एथिकॉन तो कंपनी है और एथिलोन जो है उसका ब्रांड नेम है। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो उस प्रोडक्ट का नाम कुछ भी रख सकती है। अब क्योंकि एथिकॉन कंपनी है तो उसने इसका नाम एथिलोन रख दिया है, ठीक है। कुछ कंपनी इसका नाम अलग भी रख सकती हैं, बट सेम फीचर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सूचर मटेरियल। तो यहाँ पे सूचर मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है वो भी हमें इस सूचर के पैकिंग में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो सूचर मटेरियल के अंदर यहाँ पे लिखा है पॉलीएमाइड, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉलीएमाइड 6, जिसको हम नाइलॉन भी बोलते हैं। तो ये भी मेंशन किया होता है हमारे सर्जिकल पैकेजिंग के अंदर, जो सर्जिकल सूचर की पैकेजिंग आती है उसके अंदर। फिर हम देखते हैं इमेज ऑफ निडल, तो इमेज कैसी है निडल की, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई होती है कि निडल की इमेज आपको कैसी दिखाई देगी। ये रहा निडल ऑफ इमेज, और ये हमारी निडल की इमेज दिखाई हुई है यहाँ पे, आपको सूचर के बाहर से ही दिख जाएगा कि इमेज कैसी है निडल की। ओके, और उसकी डिजाइन कैसी है। देन 11th नंबर पे है सूचर लेंथ, तो सूचर लेंथ कितना होगा वो भी यहाँ पे दे रखा है 18 मिलीमीटर, या फिर यहाँ पे इसको 45 सेंटीमीटर, 18 इंच, सॉरी 18 इंच जो है, इस 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम 18 इंच को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 45 सेंटीमीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। देन लॉट और एक्सपायरेशन डेट, लॉट जो नंबर होता है वो एक मैन्युफैक्चरर कंपनीज देती हैं, और जिससे कि उस सूचर की क्वालिटी की ट्रैकिंग की जा सके। तो एक लॉट नंबर जो होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है उस सूचर के लिए। दूसरा एक्सपायरेशन डेट, वहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि इस एक्सपायरी डेट के बाद में अगर आप सूचर यूज़ कर रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये या फिर ये जो अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट नंबर और एक्सपायरेशन डेट आपको कहाँ मिल जाएगी, कुछ इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको इसका लॉट नंबर,
ये लॉट नंबर है ऊपर वाला, और यहाँ पे इसका नीचे जो है वो इसकी एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है। ओके नेक्स्ट है पिकअप हेयर विद नीडल ड्राइवर। अब सूचर के अंदर ये तक बताया होता है कि आपको सूचर उस नीडल को अपने नीडल होल्डर से कहाँ से पिक करना है, कहाँ से आपको होल्ड करना है उस, क्योंकि कई बार हम जब निडल को होल्ड करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि उस निडल होल्डर से उस निडल को कहाँ से पकड़ना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे लिखा होता है कि आप इस निडल को इस जगह से होल्ड करोगे। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा हुआ है पिक अप हेयर विद निडल ड्राइवर, तो आपको इस निडल को यहाँ से पिक करना है इस वाले पॉइंट से। ये तक मैंशन किया होता है तो आपको इतना ज़्यादा देखने की या फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक सूचर की पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दो, वहाँ पे सारी डिटेल दी हुई होती है उस सूचर के बारे में, उस निडल के बारे में, उस सूचर के टाइप के बारे में, सब चीजें आपको जो है उस सूचर के पैकेजिंग में दी होती हैं। ओके देन हम देखते हैं निडल कोड यूज्ड इन सर्जिकल सूचर। अब हम निडल कोड का यूज करेंगे कि कौन कौन से निडल कोड होते हैं जो कि हमारे सर्जरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरीज में यूज किए जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके ऊपर हम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसको समझते हैं हम एक बार। द नंबर एसोसिएटेड विद निडल कोड सच एज PS2, FS1, etc. टाइपिकली इंडिकेट द साइज एंड सम टाइम द शेप ऑफ और कर्वेचर ऑफ द निडल। तो ये इंडिकेट करते हैं इसके साइज को, कुछ शेप को और इसकी कर्वेचर को, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करने का मतलब है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरीज के अंदर यूज होने वाले निडल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे FS जो होता है, जहाँ पे भी निडल कोड आपको FS दिखता है, उसका यूज हम स्किन से रिलेटेड जो सूचरिंग होती है वहाँ पे इसका यूज करते हैं, यूज्ड फॉर स्किन क्लोजर। तो यहाँ पे देखो FS1, FS2, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है प्रोलिन। प्रोलिन के नीचे यहाँ पे जो निडल कोड है हमारे पास में FS1 है, और इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, स्किन को क्लोज करने के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके देन PS, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्लास्टिक सर्जरी, और यूज इन प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो PS1, PS2, P3 और P1 जो है वो इसकी लेंथ को या फिर इसके कर्वेचर को या फिर इसकी लेंथ को जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट इनका यूज, सभी का यूज कहाँ पे होगा, प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर होगा, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है इनके अंदर, बट होगा कहाँ पे, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर। देन इसके अंदर सी का मतलब है कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होंगे वहाँ पे हमें जो कोड मिलेगा वो क्या मिलेगा, C1 मिल सकता है, C2 मिल सकता है, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे C1, ठीक है। तो इस कोड को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए इसका यूज कहाँ पे करने वाले हैं, कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी से रिलेटेड जो है प्रोसीजर के अंदर हम इस टाइप की सूचर का यूज करेंगे। देन CT का मतलब होता है सर्कल टैपर, यूज इन जर्नल सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। तो सॉफ्ट टिश्यूज के अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम CT वाले जो कोड है, निडल कोड है, उसका यूज कर सकते हैं, वहां पे CT1, CT2 और CT3 मिल जाएगा, ठीक है। देन SH स्मॉल हाफ सर्किल, यूज फॉर वोवल वेस्कुलर और अदर डेलिकेटेड टिश्यूज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। जहां पे भी आपको जो निडल कोड है SH दिखे तो उसका मतलब होता है वो हम कुछ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, वोवल और अदर डेलिकेटेड टिश्यूज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं MH मीडियम हाफ सर्किल, सिमिलर टू स्मॉल हाफ सर्कल बट लार्जर। तो ये स्मॉल हाफ सर्कल के सिमिलर होता है बट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और MH यहाँ पे इसका निडल कोड होगा, MH का यूज जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है बाइक्रिल के अंदर आपको ये कोड मिल जाएगा MH वाला, और इसका यूज हमारे पास में आपको पता ही है कि सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, एब्सोरेबल टाइप का है। देन UR जो है इस टाइप के निडल कोड का यूज हम यूरोलॉजी से रिलेटेड सर्जरीज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे UR6। देन RB जो निडल कोड होगा वो आपको रीनल बाईपास से रिलेटेड सर्जरीज के अंदर इस टाइप के सूचर्स का यूज करेंगे फॉर रीनल आर्टरी एनास्टमोसिस। तो रीनल आर्टरीज को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ पे हम RB जो निडल कोड होगा उस टाइप के सूचर का यूज करेंगे, RB2। कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, RB1, RB2, तो बाइक्रिल होता है, और हम इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, रीनल बाईपास में, रीनल आर्टरीज के एनास्टमोसिस के अंदर। देन नेक्स्ट है KS किडनी सूचर, यूज फॉर किडनी और अदर सॉलिड ऑर्गन रिपेयर। तो किडनी या फिर और दूसरे सॉलिड ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए हम KS टाइप के निडल कोड का यूज कर सकते हैं। देन OS ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए हमारे पास में जो निडल कोड होगा वो OS6 हो सकता है, यूज इन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। नेक्स्ट हमारे पास में LR लार्ज रिटेंशन, यूज फॉर लार्ज रिटेंशन सूचर्स। तो हम लार्ज रिटेंशन टाइप की सर्जरीज के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, LR वाले सूचर कोड का यूज कर सकते हैं, जैसे
एथिलोन, तो यहाँ पे LR लिखा हुआ है, तो काफी टाइम तक ये रिटेंशन करके रखता है टिश्यूज को। देन उसके बाद में है TP, टेंडन और प्रोलैप्स, यूज्ड इन टेंडन रिपेयर और प्रोलैप्स सर्जरीज के अंदर हम इसका यूज करते हैं। प्रोलैप्स प्रोसीजर होते हैं ऐसे प्रोसीजर जहाँ पे हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं, और उन डिसलोकेटेड ऑर्गन्स को वापस से अपनी पोजीशन पे लाने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उनको हम प्रोलैप्स प्रोसीजर या फिर सर्जरी बोल सकते हैं। जैसे हमारा यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से अलग हट जाए, तो वहां पे उस टाइप के प्रोसीजर के अंदर हम उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलैप्स प्रोसीजर या सर्जरी बोल सकते हैं, जब हमें सर्जरी करने की जरूरत पड़े। तो वहां पे हमें जो सूचर का यूज करना पड़ रहा है या फिर नेडल कोड का यूज करना पड़ रहा है वो है TP1 या फिर TP2। ओके, देन उसके बाद में टी, टैपर, यूज फॉर सॉफ्ट टिश्यू बिलो द स्किन सर्फेस। तो हमें जब स्किन की सरफेस के नीचे वाले टिश्यूज के ऊपर सूचरिंग करनी है तो नीडल कॉर्ड हमारे पास में क्या मिलेगा, वहाँ टी, और टी के अंदर भी T5 मिल सकता है। फिर है उसके बाद में VB, तो इसको हम ब्लड वेसल्स, नीडल कॉर्ड होगा इसका, VB का मतलब ब्लड ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स की सूचरिंग करने के लिए जो हमारे पास में सूचर आएगा उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो कौन सा होगा, VV1। तो इस तरीके से आप उस सूचर को पहचान सकते हो। VB175 जिस इसके अंदर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, प्रोलिन का होता है ये, और ये लिखा हुआ है इसका नीडल कोड, ठीक है। देन उसके बाद में डी, डी का मतलब होता है डेलिकेट, यूज फॉर डेलिकेट टिश्यूज एंड ऑप्थाल्मिक सर्जरीज। इसमें भी अलग अलग टाइप के आ जाएंगे, D1 और D2, और इन सभी का यूज कहाँ पे करेंगे, ऑप्थाल्मिक सर्जरीज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी टाइप ऑफ नीडल्स के बारे में, उनके टिप्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सर्जिकल प्रोसीजर कराने जा रहे होते हो और जब आपको सर्जिकल सूचर्स का सिलेक्शन करना होता है, तो आपको नीडल टिप्स के बारे में, नीडल कोड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में जब अच्छे से पता होगा तो आप सही सूचर का चूज करोगे। जब आप सही सूचर का यूज करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस पर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कंटेंट देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप जाकर के हमारे टेलीग्राम, फेसबुक या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर के इन कंटेंट को रीड कर सकते हो। थैंक यू।